जी वेलकम बैक खवातीन हज़रात। एक मुख्तसर से छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। और आज का दिन जो बीबी की किरदार की खूबसूरती और खुशबू से जो है वो महक रहा है, फिर चलते हैं हम अली भाई की तरफ। वो हमारे साथ एक मेहमान को लेकर हाजिर हैं। नाज़िर, इस वक्त जो हमारे साथ, चूँकि जैसा कि आपके इल्म है कि आज रोज़ शहादत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, तो उसकी मुनासिबत से जो है वो गुफ्तगू भी जारी है और ताज़ियत का सिलसिला भी जो है वो जारी है। हमारे साथ पाकिस्तान से इस वक्त अंजुमन तंज़ीमुल पंजतनी के साहिब ब्याज सैयद साजिद हुसैन जाफरी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तो हम चाहेंगे कि वो हमारे नाज़रीन के लिए आज की मुनासिबत से कोई कलाम जो है वो सुनाएं। साजिद भाई, आपको जो है वो अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और आज की जो है वो दिन की ताज़ियत पेश करते हैं, सलाम अर्ज करते हैं। आज तमाम जो सामने देखने वाले हैं सबको भी जाने से ताज़ियत है इस समय पर। और शहजादी के हवाले से एक लोहा मैंने इसी साल इस साल के वॉल्यूम में पढ़ा था कि शहजादी पर जो दोबारा मजालिम ढाए जा रहे हैं, अभी जो शाम में सूरत हाल है उसके हवाले से एक लोहा जनाब अली अहमद मेरे साहब का बहुत समाज माशाल्लाह उजड़ गई उजड़ गई
ये सदा दिलों जल गई और भक्त की हालत है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप शामिल हुए पाकिस्तान से बहुत शुक्रिया, बहुत पुरसोज जो आवाज़ में आपने जो है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में अपना नजराने अकीदत पेश किया और खुदा जो है वो आपकी इस इबादत को कबूल मकबूल फरमाए, आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। जनाब सैयद साजिद हुसैन जाफरी साहिब प्यास अंजुमन तंजीम पंजतनी पाकिस्तान से टेलीफोन लाइन पर नजराने अकीदत पेश कर रहे थे जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि की बारगाह में। हमारी जो है वो ताज़ियत का सिलसिला जो है वो नाज़रीन जारी है। आज रोज़े शहादत है जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि का, हम अपडेट बीच बीच में कर रहे हैं, इसलिए कि जो हमारे नाज़रीन हमें अभी ज्वाइन करते हैं उनके लिए एक और कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूं। जी क्या नाम है भाई आपका? जी मेरा नाम सैयद मंजूर हुसैन है। सैयद मंजूर हुसैन, खुश आमदीद कहते हैं आपको। खुश आमदीद जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैदराबाद हिंदुस्तान से बात कर रहा हूं। मैं आप लोगों का जो चैनल पे जा रहे हैं जी, आ रहे थे सैयद जनाब वाले सलाम जी। हां जी सर, तो सब ये शहजादी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की जो शहादत है आज, ये मुकद्दसा शहादत के मुकम्मल कैलेंडर में नहीं है। यहाँ हमारे हैदराबाद में तो 24 सफर को मनाई जाती है। जी हाँ, दोनों तारीखों में मनाई जाती है, क्योंकि हैदराबाद की खुशी में कल की इतनी खुशी है जनता ने अपनी बहन के हिसाब से कि हैदराबाद की खुशी में तो अल्लाह ताला जो तो इतने अजीम हम को भी एक ही दूसरे की तारीख में इंसान का दिल मशहूर रहता है इसी बात पे। हेलो जी जी जी, जी, जी सुन रहे हैं हम आपको। जी ये तारीखों का इख्तलाफ हो जाता है अक्सर। आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहिए। नहीं तो मुकद्दस आने में मुकम्मल जो तारीख है ये बिल्कुल रिवायत के हिसाब से अहमा के हिसाब से मुकद्दस है, क्या ये सवाल है मेरा बताइए जी। अगर दो तारीखें भी हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आले मोहम्मद का जिक्र करने में हम ज़ियारत आशूरा में वादा करते हैं कि हम आपकी खुशी में खुश और गम में मकबूम रहेंगे, और इसी हवाले से किसी ने गम में इमाम अलैहिस्सलाम से किसी शख्सियत को ख्वाब में देखा तो उन्होंने तारीख के बारे में इख्तलाफ किया, पूछना चाहा कि ये दो तारीखें इसमें से कौन सी मनाएं, तो मौला ने उनसे भी यही फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि हमारा जिक्र कम हो? अगर दो हैं तो तुम दो में मनाओ। तो इस हवाले से जो तारीखें हैं उसके ऊपर आप पुरसा पेश कर सकते हैं जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि का। जी बहुत शुक्रिया आपका जी। कुछ कहना चाहेंगे? तो बहरहाल आज रोज़े शहादत जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि के हवाले से जो है कि गुफ्तगू जारी है, ताज़ियत का सिलसिला जारी है, और खुदा की नेमतों में से एक नेमत है आपका अपना प्लेटफॉर्म, आपका अपना मीडिया, कि जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि का जब नाम आता है तो इंसानी जहन जो है वो तारीख़ और आख उसमें पलटने शुरू करता है और पीछे जाता है। और चलिए एक कॉलर ले लेते हैं, बात करते हैं इसमें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी, आपको मुसद्दी साहब को दोनों की खिदमत में मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं माजरत खा हूँ कि मैं मुखिल हुआ, मैं उस वक्त जबकि आपके यहाँ वो वक्त का मसला नहीं। जी हाँ, मैं असल में
हमारा कमरा और टीवी का कमरा लहदा लहदा है, इसलिए मैं मुझे इल्म नहीं था, इसलिए मैं माजरत कोई बात। अच्छा, वो मेरी तरफ से आप और मेरे खानदान की तरफ से आप सब लोगों की खिदमत में, तमाम मोमिन मोमिना की खिदमत में, बीवी ज़ैनब सरबतुल्लाह की शहादत के ऊपर ताज़ियत कबूल फरमाइए और खुदावंद आलम हम सबको उनके जो भी उन्होंने का लेसन था, जो भी उन्होंने हमें दर्स दिया उसको जी आवाज़ आपकी ड्रॉप हो रही है आपकी जी। आप प्लीज़ अगर जहमत ना हो तो दोबारा कॉल कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ बिल्कुल जो है वो समझ में कुछ नहीं आ रहा, ड्रॉप हो रही है। आप प्लीज़ हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप फ़ोन दोबारा कर लीजिए। तो बात हो रही थी कि जब भी जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि की तरफ जहन जाता है तो आप सदियों पीछे जाते हैं, आप देखते हैं कि जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि ने जो मेन काम किया वो इमाम हुसैन सलाम की क़ुरबानी को जो है वो आश्कार किया और उसको ख़त्म नहीं होने दिया, और इस आज़ादारी के सिलसिले को आपने कायम किया और इसकी बानी हैं आप। आपने ताज़ियत ली और इमाम हुसैन सलाम की ताज़ियत जो है वो उसका सिलसिला जो है पूरी दुनिया में आज़ादारी की शक्ल में जो है वो कायम किया, और ये जो मीडिया है ये तमाम चीज़ें ये जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि की दुआ है कि आज जिस सिलसिले को मिटाने के लिए दुश्मन ने एड़ी चोटी का जो वो ज़ोर लगाया, दरहम दीनार क्या, तलवारें क्या, कोई भी तमाम दौलत की जो है वो बारिश कर दी गई कि इस मकतब से हट जाएं, ये आवाज़ दब जाए, मगर वो जो पौधा लगाया था आप देखें उसको खुदा ने कितना तनावर दरख्त बनाया, वादा किया खत्म होने में नहीं आता। जो एहसान हजरत ज़ैनब ने दीन पर जो कर डाला बिल्कुल उसका तो हम पुश्तों तक भी चाहें तो रहती दुनिया तक भी चाहें तो हम उसका कर्ज अदा नहीं कर सकते। तो ये जो चंद लम्हात होते हैं गुफ्तगू के ये क्या तो कुछ भी नहीं, कुछ मैंने भी जैसे अर्ज की शुरू में कि हर इंसान हर मुसलमान जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल है और नमाज शुरू करता है मुसल्ले पर जाता है तो उसको सबसे पहले जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि की बारगाह में सलाम पेश करके उनका हक़ एहसान की तरफ मुतवज्जो होने के बाद उसका हक़ बनता है कि वो जो है वो खाने खुदा में दाखिल हो और नमाज के लिए खड़ा हो, क्योंकि ये नमाज़ें ये अजानें ये तमाम चीज़ें आज जो कुछ मौजूद हैं वो आप बीबी के सदक़े में हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप क़याम ना करती तो 24,000 पैगम्बरों की तमाम तालीमात, आइम्मा की तालीमात, नबी की तालीमात, तमाम जो चीज़ थी वो करबला में इमाम हुसैन सलाम की क़ुरबानी की शक्ल में ख़त्म हो जाती। आपने क़याम किया, कभी जैसे मैंने पहले भी इसको बयान किया कि आप जो है वो घर से बाहर न निकली मगर आपको जाना पड़ा करबला से कूफे, कूफे से शाम, एक एक चौराहे से गुजारा गया, हाथ पसे पुश्त बंधवा के भी आप गई मगर जो है वो आपने नाना की शरीयत को उसकी हिफाजत की, उसको बचा लिया, और ये वही मतलब बचाया हुआ पौधा है जो कि आज तनावर दरख्त की शक्ल में किताबी मकतब किताबी सूरत में मकतब मौजूद, फिर उसकी जदीद कस्म मीडिया की शक्ल में आज इस वक्त बैठ के हम जो है वो हज़ारों मुल्कों के अंदर अपने जो है वो जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि का जिक्र करने की हमें सआदत हासिल हो रही है और हम आप पाक बीबी का जिक्र कर रहे हैं। और इस जिक्र को दुश्मन ने, जैसे मैंने कहा कि इस जिक्र को दुश्मन ने दबाने के लिए क्या नहीं हथकंडे इस्तेमाल किए, आज भी कर रहा है, जैसे कि अभी साजिद भाई ने दुहाई में पढ़ा, उन्होंने कहा कि आज भी जो दोबारा से जो है वो यलगार की दुश्मन ने, और जो है वो उस हवाले से कलाम भी था जो कि इनकलाबी कलाम था कि फिर वो दबाना चाहते हैं उस मरकत के ऊपर जलता हुआ चिराग, उसकी रोशनी जो है वो बुझाना चाहते हैं, मगर जिस चिराग को खुदा ने रोशन किया है, जिसको खुदा की खुदाई रोशन करे, वो चिराग इन इंसानों के बस की बात नहीं कि उसको बुझा सकें, वो अपनी शान और शौकत के साथ क़यामत तक जो है वो जब तक साहिब ज़मन और वहान अलफिदा का ज़हूर नहीं हो जाता और इमाम हुसैन सलाम के खून का बदला नहीं हो जाता, वो अपनी आब ताब से रोशन रहेगा। और ये जो है दरख्त है ये तनावर से तनावर होता चला जाएगा और दुनिया के जालिम बादशाह आए आके चले गए पिट गए खाक हो गए इस हसरत में कि आज़ादारिया सैयद शहदा सलामुल्लाह अलैहा को ख़त्म करने मगर ना कर सके, खुद ख़त्म हो गए खाक हो गए जलील और रसुआ हो गए, इस दुनिया से चले गए और मज़ीद जाने के इंतज़ार में बैठे हैं वो भी
چلے جائیں گے, خاک ہو جائیں گے, ایسے ہو جائیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہ. مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام, آپ کا آفاقی مشن, آپ مطلب کربلا کی شیر دل خاتون ہیں, آپ نے جو کلام کیا مولا علی کے لہجے میں کلام کیا, کوفے سے کربلا, کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تک جو ہے وہ تمام دشمن کے کو لرزہ باندام کر دیا, آپ نے ان کی جسے کہے کہ چولہے ہلا کے رکھ دی, ان کی تمام پسات شاہی کو پلٹ کے رکھ دیا, اور اس کا اثر آج بھی زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ تکفیری لشکر بنتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں, اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے, وہ فرق یہ ہے کہ اس وقت ان کے ہاتھ میں تیر تیر و تبر و شمشیر ہوا کرتے تھے, آج وہ مارٹر گولے اور ایل ایم جی اور ہیوی اکوپمنٹ کے ساتھ اسلحے کی شکل چینج ہو گئی, مگر فکر وہی رہی, مگر وہ بھی ناکام اور جہنم واصل ہو رہے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہلو, السلام علیکم. تقوی صاحب, آج پتہ نہیں ٹیلی فون لائن میں کچھ پرابلم ہے, آپ کی آواز ہم پھر نہیں سن پا رہے ہیں اور اس میں بہت زیادہ چیٹنگ ہے. نہیں, آپ کی آواز ہم بالکل نہیں سن پا رہے ہیں, بالکل بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کی آواز. آپ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ دوبارہ کوشش کر لیں. جی, آپ کی آواز بالکل میرا خیال نہیں آ رہی. جی, میرا خیال ہے کہ ہمیں کال ڈسکنیکٹ کرنی پڑے گی, اگرچہ کہ ہم بہت منتظر رہتے ہیں کہ آپ آپ کی بات سن سکیں اور آپ فائدہ اٹھا سکیں ہم ان سے. تو پلیز آپ دوبارہ کوشش کر کے دیکھیے گا, اگر جو ہے آواز کی جو کوالٹی ہے وہ کچھ بہتر ہو سکی تو ہم تھوڑا فیض حاصل کر سکیں گے آپ سے. جی, وہ پتہ ہے لانگ ڈسٹینس کال جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مسئلہ ہوا رہتا ہے. تو بات ہو رہی ہے حضرت زینب علیہ السلام اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں, کہ اگر زینب بنت علی نہ ہوتی تو رب کعبہ کی قسم آج اسلام نام کا کوئی دین نہ ہوتا. وہ ایک حصہ تھا جو جو امام حسین نے انجام دیا, وہ ایک پارٹ تھا جو انہوں نے انجام دیا, جو اس کو اس کی جو اختتام تھا, جو اس کو منزل تک پہنچانا تھا, وہ کام تھا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا. اور وہ کربلا کی شیر دل خاتون جنہوں نے یہ جو مارکہ انجام دیا, اور عورت چونکہ جنگ نہیں لڑ سکتی, میدان جنگ میں نہیں جا سکتی, تو کس خوبی سے, کس کس مہارت سے, کس شجاعت سے جو ہے وہ, کس حکمت سے اور کس عقل مندی سے جو ہے بی بی زینب نے وہ جنگ لڑی اپنے لفظوں کے ساتھ. اور وہ تمام دل جو مردہ ہو چکے ہوئے تھے, وہ تمام دل جنہوں نے مل کر ان بیبیوں پر پتھر برسائے اور مل کر ان کو دیکھا کہ یہ کس طرح سے قیدی بنا کر جائے جا رہی ہیں, ان کے دلوں پر جب یہ لفظوں کی جو بوچھاڑ پڑی تو ان کو احساس ہوا کہ وہ کس قدر جو ہیں وہ جہنم کو اپنے قریب کر چکے ہیں, اور انہوں نے آل رسول کے ساتھ کیا کیا ہے. یہ وہ لفظ ہی تھے, یہ وہ لفظوں کی جنگ تھی جو بی بی زینب نے لڑی اور فاتح قرار پائیں. اور ہمارا جو پروگرام ہے اس کا وقت بھی اب تھوڑا رہ گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج آپ لوگوں کی جو کالز ہیں اس میں بھی ہمیں کلام کوئی آپ نے پیش کیا, بی بی سے عقیدت کا اظہار کیا, تعزیت کی, پرسہ کیا, اس کے لیے بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. علی بھائی, اگر آپ کے پاس کچھ اس سلسلے میں کوئی یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ساجد بھائی نے جو بھی جو نوحے, کیونکہ ایک تو ہم جو نوحے پڑھتے ہیں اس میں زیادہ تر وہ مصائب و کربلا کا ذکر ہوتا ہے, مگر ساجد بھائی نے جو نوحہ پڑھا وہ ذرا انقلابی نوحہ تھا, کیونکہ وہ ذرا زمانے سے آج کے بھی ہم آہنگ تھا, اور اس میں وہ تمام ادھر ان پہلوؤں کو بھی روشناس کرایا گیا تھا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی آخر دشمن کو یہ نام اتنا کیوں کھٹک رہا ہے, ایسی کیا وجہ ہے. ایک نوجوان نسل کے لیے, جو نسل جدید ہے ہماری, اس کو اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ وہ اس طرف دیکھیں اور ان شخصیات کے اوپر غور کریں اور ان کی جستجو کریں اور ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے دین کی آبیاری کی ہے اور کس طرح اس مضبوط شجر کو جو ہے وہ قائم کیا ہے. آخر کیا وجہ ہے جو لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دشمن یہ تکفیری لشکر امنٹ کے آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس روضے کو مسمار کر دیں, گرا دیں, جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے کہ وہ اس کے جلائے ہوئے چراغ ہیں, وہ نور کے ایسے ستون ہیں جو قیامت تک عالم انسانیت کو فیض پہنچاتے رہیں گے اور لوگ اس سے فیض حاصل کرتے رہیں گے. تو ان کے بس کی بات نہیں کہ ان ستونوں کو ڈھائیں, ان کے بس کی بات نہیں اس ہدایت کے چراغ, اس مصباح الہدیٰ کو یہ بجھا دیں, اور ان کی اس طرح کر لینے سے کوئی
फर्क नहीं पड़ेगा, जो तारीख वो रकम कर गई, वो तो जो जो मैसेज वो दे गई और जिस तरह से वो अपने नाना के दीन को बचा गई, उसमें क्या कोई तब्दीली नहीं आ सकती। इनके ये करने से वो लोग जो मुतवज्जो नहीं थे, गाफिल थे, उनको भी, उनकी भी तवज्जो इस तरफ मबजूल हुई कि आखिर क्या वजह है जो ये तमाम प्रेशर लगाए हुए हैं इस हरम की तरफ, इससे इतने खौफजदा क्यों हैं, जो इस पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके लश्कर बना के लाते हैं और चाहते हैं कि इसको ख़त्म कर दें, ऐसी शख्सियत में क्या बात है, आखिर क्यों इस पर पूरा जोर लगाया हुआ है। तो इससे कम अज़ कम उनकी जो शख्सियत थी, खुदा ने एक डिफरेंट एंगल से अगर आप देखें तो दोबारा से इस पहलू को और रोशन किया कि नौजवान नस्ल, जो नई नस्ल है, जो अहले तहकीक हैं, जो कि अहले मारफत बनना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो कि जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते कि खाया पिया और सो गए, मगर ये कि वो चाहते हैं कि वह अहले तहकीक बने, वो अहले मारफत बने, अहले नज़र बने, अहले कलम बने, तो उनके लिए खुदा ने एक और बाब खोला कि तुम मुतवज्जे हो मेरी निशानियों में, देखो कि ये निशानियां ऐसी हैं कि 1400 साल हो गए मगर दुश्मन की सफ़ों में खलबली डाली हुई है, ऐसा इन्होंने क्या कारहाए नुमाया अंजाम दिया है, तुम भी गौर करो, तुम भी फिक्र करो, तुम भी देखो इनकी सीरत पे। तो जब तुम इनकी सीरत को देखोगे, पढ़ोगे, तो तुम मतवाले हो जाओगे इस खानदान के और तुम जो है वो उसकी राह के ऊपर कामजन हो जाओगे। तो इसके मजबत पहलू को भी जो है वो हमें देखना चाहिए कि हर जगह से खुदा जो है वो हमें फायदे की तरफ लेके जाता है, क्योंकि खुदा के कामों में कभी खसारा नहीं होता। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। मैं बताया जा रहा कंट्रोल रूम से कि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है और इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। और फिलहाल हम चलते हैं एक नोहे की तरफ, उसके साथ ही मुझे और अली भाई को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।